सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। साइंस प्रोजेक्ट फाइल। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, टेंथ में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करके शेयर भी करें अपने ग्रुप में। और पहली पिक्चर है मानव श्वसन तंत्र, और पिक्चर को देख करके आप समझ लीजिए कि क्या गजब यहाँ पर इसे ड्रॉ किया गया है। दूसरी पिक्चर खुला तथा बंद रंध्र, और एक खुला एक बंद रंध्र के साथ एक दूसरी लड़की द्वारा ही सेम चीज़ खुला तथा बंद रंध्र को बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना गजब यहाँ पर कलरफुल इसे ड्रॉ करके आप भी अपने टीचर को इम्प्रेस करके अच्छे नंबर भी ले सकते हैं, साथ में अपनी तैयारी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। और ये हमारे पास पुष्प की संरचना, और क्या गजब यहाँ पर इसे पुष्प की संरचना की है। अगली पिक्चर, और ये है मानव का उत्सर्जन तंत्र, और एक बार फिर से इसे पूरा देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, ताकि आप भी इसी तरह से अपना जो अपनी फाइल है वो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ये फिर से मानव पाचन तंत्र है, और पाचन तंत्र किस तरह से बनता है आप यहाँ पर इसे एक एक आराम से तरीके से देख सकते हैं। साथ में अगर वीडियो स्पीड में हो तो इसे स्लो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अगली पिक्चर है वो है हमारे पास एक ब्रकाणु की रचना, और किस तरह से इसकी रचना कर रखी है पूरे पिक्चर को आप एक ही उसमें यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। और यह वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण, और किस तरह से ये वर्तिकाग्र है यहाँ पर देखो, इसे भी बहुत ही प्यारा और गजब का यहाँ पर इसे ड्रॉ किया है। हाइड्रा में मुकुलन, और अगली पिक्चर है हाइड्रा में मुकुलन इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर आप बहुत ही कमाल का है टाइजोपस में बीजाणु समासन। और अगली ये भी मानव का मादा जनन तंत्र, और इस पिक्चर को भी आप ध्यान से देखें, इससे आप एज ए प्रैक्टिकल की भी मार्क्स ले सकते हैं, साथ में आप अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी आराम से इससे कर सकते हैं। और अगली पिक्चर है ये है हमारे पास मानव उत्सर्जन तंत्र, फिर से ये दूसरी लड़की के द्वारा बनाया गया है, तो जो भी आपको दोनों में से अच्छा लग रहा हो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। फिर से हाइड्रा में मुकुलन है, और क्या कलर जो है बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा जैसे लग रहा है किसी कलाकार ने बनाया हो, और वैसे भी हमारे ये बच्चे किसी कलाकार से कम नहीं है। राइजोपस में बीजाणु समासन ये दूसरी पिक्चर है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण, और अगली पिक्चर मानव में मादा जनन तंत्र, तो ये मानव मादा जनन तंत्र है। उसके बाद अगली जो पिक्चर है वो है हमारे पास पाचन तंत्र का, तो फिर से मानव पाचन तंत्र है। उसके बाद अगली पिक्चर हमारे पास आती है ब्रकाण की संरचना, तो थोड़ा सा इसे मैं और जूम आउट कर लेता हूँ, आप इसे पूरे से आराम से ध्यान से देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मानव का श्वसन तंत्र इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी आपको ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, और ये कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। जो अगली पिक्चर है ये कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन, तो किस तरह से इसको तैयार किया गया है, प्रिज्म में प्रकाश अपवर्तन, और ये प्रिज्म है प्रकाश, यहाँ पर अपवर्तन का जो प्रोसीजर यहाँ पर बताया है। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की वीडियो, जिसमें कि आपको साइंस प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए कुछ हिंट्स मिलेगा। अगर आप टीचर हैं तो अपने बच्चों को भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं इसी तरीके से फाइल बना करके, और तो और वो यहाँ पर पोर्टफोलियो के मार्क्स भी से ले सकते हैं। कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कोई डिमांड हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।